सो वेलकम टू शुक्ला एच डी पॉइंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एच डी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को एक नई दिशा, नई गति एवं नई उमंग और नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको विस्तृत रूप से BA फर्स्ट ईयर या BA सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की तैयारी करनी है तो BA करें कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब की बार जुलाई से हम उस पर जो है अच्छे से अच्छे टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो में खास है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि जिनकी संख्या है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आंसर की होगी समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की BA फर्स्ट ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवधि यूनिवर्सिटी की। आज मैं बात करूंगा दोस्तों एक ऐसे टॉपिक और सॉरी एक ऐसी ट्रिक और ऐसी घमासान धांसू ट्रिक जो कि आपको परीक्षा में कम से कम 60 नंबर दिलवाएगी। बस आपको केवल 3 से 4 घंटे हमको देने पड़ेंगे। 3 से 4 वीडियो मेरी आपको देखनी है, बस वही 3 से 4 वीडियो देखने के बाद में आपको जो है 60% से ऊपर मार्क्स मिलेंगे और मैं आपके पास सिद्ध भी करता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं पहले कुछ प्रश्नों को पढ़ूंगा, उसके बाद में स्पीड में आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, ताकि आपको ये बोर ना लगे कि मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ट्रिक अभी बताऊंगा, थोड़ा वीडियो देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपकी परीक्षा में 2020 का ये मॉडल पेपर है और हमने जो है बहुत गहन अध्ययन किया 18 का 19 का 20 का। उसके बाद में हमारे सामने बहुत सारी ट्रिकें आई हैं, उन्हीं ट्रिकों की बात मैं कर रहा हूँ आपसे बताने की। तो पहला प्रश्न देखिए, आपकी हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो विवाह की न्यूनतम लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। और क्वेश्चन पूछा था कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विशेष विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे दूसरा नंबर कि पॉजिटिव फिलासफी किसकी कृति है? तो पॉजिटिव फिलासफी जो कृति है दोस्तों वो अगस्त कॉम्प्ट की है। ठीक, अगस्त कॉम्प्ट की है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यही अगस्त काम है जो दोस्तों 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देते हैं, नहीं तो इससे पहले इसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्यों की बात करता है? तो सामाजिक तथ्यों की बात करने वाले हमारे सामने जो मतलब सोशल फैक्ट की बात करते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट सोशल फैक्ट्स इज कॉल्ड दुर्खीम। दुर्खीम महोदय जो है ये सोशल फैक्ट की बात करते हैं, सामाजिक तथ्यों को रखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसने सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गतिकी की अवधारणा दी, मतलब हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक। तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक की जो अवधारणा दी थी, जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉम्प्टे ने दिया था, अगस्त कॉम्प्टे ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न पूछा गया था 6वां नंबर कि वह कौन था जिसने सबसे पहले प्रत्यक्षवाद को महत्व दिया? तो प्रत्यक्षवाद को महत्व देने वाले सबसे पहले अगस्त कॉम्प्ट हैं दोस्तों, और अगस्त कॉम्प्ट का जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी जब क्रांति हुई थी भारतीय क्रांति 1857, तब इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक, मतलब उससे नहीं हुई थी, 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्यावरण अध्ययन में पूछा भी गया था ये प्रश्न। ठीक, और जो है ये जो 1830 ईस्वी से लेकर के 1842 ईस्वी के मध्य में जो ये प्रत्यक्षवाद है ये अपनी चरम सीमा पर था, इसी के बीच में इसका उदय हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था 7वां नंबर की ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा देने वाले जो है मार्क्स महोदय कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था 8वां नंबर दोस्तों कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? ये एक पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों एलेक्स सिंकेलेस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 10वां नंबर दोस्तों कि अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स महोदय ने किया था, मतलब जो सरप्लस वैल्यूज है, मतलब अतिरिक्त मूल्य है, उसको कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक, बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किसने सामाजिक डार्विनवाद के विचार का प्रतिपादन किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ठीक, तो ध्यान में रखे गए सारी चीज़ें। और दोस्तों मैं एक ट्रिक की बात कर रहा था, आइए ट्रिक बता देते हैं। 11 प्रश्न हो गया और लगभग 4 मिनट 40 सेकंड के अंतर्गत मैंने बता दिया आपको कि क्या 11 प्रश्न। अब आप सोच लीजिए स्पीड अच्छी रहेगी, बस थोड़ा ट्रिक आप सुन लीजिए। यहाँ पे मैंने 2018 का पेपर पढ़ा, 2019 का पढ़ा। ठीक, 2018 से क्वेश्चन दोस्तों
37 क्वेश्चन पूछे गए 2019 से, 23 क्वेश्चन पूछे गए 2020 की परीक्षा में। तो 37 और 23 को जोड़ने के बाद में हमारे सामने एक डाटा आता है जिसको हम 60 बोलते हैं, मतलब 60 प्रश्न। दोस्तों 60 प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रीवियस ईयर एग्जाम से 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में क्या, उसके बाद में 40 प्रश्न जो हैं ये न्यू पूछे जा रहे हैं। अब देखिए उन 40 में न्यू में जो है क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो 40 में दोस्तों 20-20 कैटेगराइज कर दीजिए, 20-20 ठीक। और ये 20-20 में देखिए पहले 20 का मतलब ये है इस 20 से इसमें भी दो कैटेगराइज कर दीजिए। अब 20 क्वेश्चनों में से कितने, तो 20 में से 10 जो हैं आपके बुक्स से पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये बुक किसने लिखी है, और 10 जो है कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं मतलब कि अवधारणा किसने दी। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो है अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने दी थी, या फिर बहुत सारी मैनिफेस्टो वाली जो हमने हॉट सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, द कम्युनिटीज मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी, ऐतिहासिक भौतिकवाद किसने दिया, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मतलब इस 20 में। और एक 20 है उसमें डेफिनेशंस वगैरह, जो वो 20 बचा इसमें डेफिनेशंस, और इसके बाद में जो है आपका स्टेटमेंट वगैरह जो किसी ये किसका कथन है ये पूछा आता है, और इसी 20 के अंतर्गत जो है ये जैसे महिला सशक्तिकरण किस वर्ष घोषित हुआ ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, या फिर कोई दिवस वर्ष पूछ लिया, फिर किसी का जनक पूछ लिया ठीक। तो इस तरीके से पूछा आता है ठीक। तो ये चीज़ें थी, तो मैं कहने का आशय ये है कि आप जो है 3 वीडियो देखिए। अगर आपको 2021 की परीक्षा के लिए अभी से उत्तर तैयार होना है तो 2018, 2019 और 2020 इन तीनों का जो है मॉडल पेपर देख तो लीजिए ही। अगर नहीं टाइम है मॉडल पेपर देखने का तो मत देखिए, केवल आप जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018, 19 और 20 इन तीनों का देख लीजिए जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है आंसर की, ये देख लीजिए ठीक। उसके बाद में क्या होगा आपके अंदर एक माइंड वो डेवलप होगा, माइंड आपका डेवलप होगा कैसा, किस क्षेत्र में, कि किस प्रकार से जो है आयोग मतलब ये यूनिवर्सिटी प्रश्न पूछ रही है और वही बार बार प्रश्न घुमा रही है, पूछ भी रही है। और कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो 2018, 19 और 20 तीनों में सेम के सेम, जैसे कौन से प्रश्न, जैसे कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त कॉम्प्ट, और उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन आया कि जो है किन दो शब्दों से मिलकर के समाजशास्त्र बना, ये सारा प्रश्न, और ऐसे 2-3-4 पुस्तक होंगे, दास कैपिटल और बहुत सारी पुस्तक ऐसी आती हैं जो हमेशा पूछी ही जाती हैं। आइए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ा नहीं है, तो हु इज नॉट एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जो है संबंध नहीं रखते कार्ल मार्क्स, जबकि हमने 45 मिनट का वीडियो इसी पे बनाया है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को डिफाइन किया है जिसमें हॉब्स, लॉक एंड रूसो के बारे में चर्चा की है, देख लीजिएगा उसको आप। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने आया था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है दोस्तों, योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था आपसे कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का समूह कहलाता है, तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो व्यक्तियों का समूह होता है उसको समिति कहते हैं, और कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का समूह जो होता है जो निश्चित भूभाग पर निवास करता है उसको समुदाय बोलते हैं, और संस्था वो होती है दोस्तों जो किसी चीज़ के मतलब जिसको औपचारिकता प्रदान होती है, जो औपचारिक रूप से जो है किसी चीज़ का निर्वहन करती है उसको संस्था बोला जाता है, और परिवार जो होती है ये समाज की सबसे प्राथमिक इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, सार्वभौमिक प्रश्न ये पूछा ही जाता है, सबको पता है दोस्तों अगस्त कॉम्प्ट है, ऑप्शन नंबर इसका डी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, तो किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है दोस्तों, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोसेस, तो किसने कहा, अगस्त कॉम्प्ट ने कहा है ऐसा ठीक, अगस्त कॉम्प्ट ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर पूछा गया था कि किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछा आता है, ये भी सार्वभौमिक प्रश्न है सॉरी, तो समाज साथ सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा, माइक आइबर पेज ने कहा है, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो कौन है ये, मैकाइबर एंड पेज के महोदय के अनुसार कहा गया है, अकॉर्डिंग टू मैकाइबर एंड पेज सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से बना, सार्वभौमिक, तो इन दो शब्दों से बना है, लैटिन एंड ग्रीक, सोशियस और लोगस। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 19 नंबर की ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों आगबर्न एंड निमकाफ, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपके सामने कि सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, तो सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, मैकाइबर एंड पेज महोदय के द्वारा सोसाइटी पुस्तक लिखी गई है, ठीक। तो द बुक सोसाइटी इज रिटन बाई मैकाइबर एंड पेज। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर पूछा गया था कि समाज की विशेषता है, तो दोस्तों समाज कैसा है, समाज की विशेषता क्या है, समाज जो है अमूर्त होता है, बिल्कुल होता है, समाज का कोई एक व्यक्तियों का समूह को समाज नहीं बोल सकते, सहयोग एवं संघर्ष, जहाँ समाज में एक दूसरे का सहयोग लोग करते हैं वहीं एक दूसरे से जलते भी ईर्ष्या करते हैं और परस्पर व्यक्तियों के बीच में संघर्ष भी पाया जाता है, पारस्परिक जागरूकता जागरूकता भी होती है लोगों के अंदर। तो जो ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी सभी, और ये हमारे ट्रिक यहाँ पर काम कर गई, हमने बहुत सारी वीडियो में अपने बताया था कि जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि समाजशास्त्र की विशेषता या समाज की विशेषता या समिति की विशेषता, समुदाय की विशेषता, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समूह या फिर संस्था, किसी भी चीज़ की अगर विशेषता पूछी जाती है तो उसको आप इनमें से सभी एक ऑप्शन होता है वही आँख मूंद करके मार दीजिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न 22 नंबर पूछा गया था आपके आपसे 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखिए। तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम जो है दोस्तों, मतलब लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, तो इसको दिया था दोस्तों कूले ने, ठीक। तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स कूले ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न है किसने कहा हम समितियों के सदस्य हैं संस्थाओं के नहीं, तो हम समितियों के सदस्य हैं संस्थाओं के नहीं, ऐसा कहा है मैकाइबर एंड पेज महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि अस्पृश्यता का संबंध किससे है, तो दोस्तों दास प्रथा से नहीं है, धन दौलत से भी नहीं, वर्ग व्यवस्था से भी नहीं है, इसका संबंध जाति प्रथा से, और यही क्वेश्चन जब 2018 में पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में एक वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था थी तो वो करेक्ट था, लेकिन इसमें जाति प्रथा है तो इसमें जाति प्रथा करेक्ट होगा, क्योंकि जो जाति प्रथा है वो वर्ण से ही बना है, वर्ण से जातियां बनी है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन्हीं से जातियां बनी है, जिन जातियों में परस्पर संघर्ष होता है, कोई जाति बड़ी और कोई जाति छोटी होती है, इससे जो है क्या होता है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत से संबंधित है, अनुच्छेद 17 में वर्णित है संविधान के, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अलग डिस्कस करेंगे हम कभी, तो अगर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था दिया होता तो वो करेक्ट होगा, जाति व्यवस्था दी थी तो जाति व्यवस्था करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं 25 नंबर कि निम्न में से कौन समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो समुदाय का जो है अनिवार्य तत्व नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों, सामूहिकता है, हम की भावना भी होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है समुदाय का, तीव्र मतभेद नहीं होता, ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जिन्स बर्ट मर्टन स्पेंसर डार्विन, डार्विन डार्विन ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या था 27 नंबर की निम्न में कौन समाजीकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है दोस्तों, परिवार निभाता है, नातेदारी, सरकार या विद्यालय, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा समाज की जो सबसे जो है प्राथमिक इकाई है वो कौन सी है, परिवार है, तो परिवार ही जाहिर सी बात है समाजीकरण में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाएगी, क्योंकि जब बीज को अच्छा रख लेंगे तो फसल भी अच्छी होगी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सामूहिक प्रतिनिधान, तो सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत जो दिया था, ठीक, किसने दिया था, दुर्खीम ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। दुर्खीम ने क्या दिया था, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत दिया था। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है, तो मानव समाज जो है सांस्कृतिक सामाजिक संबंधित है, मतलब सामाजिक है और सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों ये सब पूछा गया है 18 के प्रश्न है 2018 में, निम्न में से कौन एक संस्था है ये भी पूछा गया था, तो निम्न में से कौन एक संस्था है दोस्तों, तो विवाह क्या है एक संस्था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि समाज शास्त्र, ये भी सार्वभौमिक प्रश्न ही हमेशा पूछा ही जाता है, समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है अपितु उसकी बहन है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है दोस्तों ब्रांस सॉरी ये कथन है ब्रांस एवं बेकर का, किसका, ब्रांस एवं बेकर का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर पूछा गया था कि एक विवाह सिद्धांत किसने दिया है, तो एक विवाह सिद्धांत जो दिया था थ्योरी ऑफ जो है एक विवाह सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, बेस्टर मार्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया करने से क्या निर्मित होता है, तो दो या दो से अधिक बीच में जब अंतःक्रिया करने से जो निर्मित होता है दोस्तों वो क्या निर्मित होता है, तो वो समूह निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, पूछा गया था 34 नंबर कि व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है। तो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले को समुदाय बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। जबकि समूह, संस्था एवं समिति का इनका निश्चित भूभाग जो है वास्तविक रूप से नहीं होता है, ठीक जैसा कि समुदाय का होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 35 नंबर कि निम्न में से कौन सी विशेषता समिति की है। तो निम्न में से कौन सी विशेषता है समिति की, दोस्तों समिति एक मूर्त संगठन है जो एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित की जाती है लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न 36 नंबर कि कूले ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण दिए हैं। तो चार्ल्स कूले ने जो है प्राथमिक समूहों के उदाहरण के लिए जो है क्या क्या दिए हैं, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, उपयुक्त सभी दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर आपसे पूछ लिया गया था, 37 नंबर पूछा गया था दोस्तों 37 नंबर की फॉकबेज पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए पुस्तक पुस्तक बहुत आती हैं, तो पुस्तक के लेखक, फॉकबेज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो समनर है। कौन है? समनर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न 38 देखिए, 38 पूछा गया था कि समाजीकरण में कौन से समूह अधिक उपयोगी हैं। तो समाजीकरण में कौन से समूह अधिक उपयोगी हैं दोस्तों, तो प्राथमिक समूह अधिक उपयोगी हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्योंकि शुरुआत में अगर बच्चे का समाजीकरण हो जाता है तो जो बड़ा होता है बच्चे, जैसे बच्चे के अंदर संस्कृति होती है, छोटे से बच्चे के अंदर संस्कृति दी जाती है, उसका समाजीकरण किया जाता है, वैसे बड़ा होने पर बच्चा होता चला जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा एवं अच्छा ज्ञान मिलना अति आवश्यक है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे कि अंतः समूह की अवधारणा किसने दी थी। तो इन ग्रुप इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय समनर, तो समनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ठीक, अंतः समूह की अवधारणा समनर ने दी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं है। तो मानव समाज की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, धर्म तथा नैतिकता मानव समाज की विशेषता है, भाषा और संकेत भी है, सहयोग और संघर्ष भी है, जबकि अस्तित्व हेतु पर्यावरण पर निर्भरता ये मानव की विशेषता नहीं है मानव समाज की। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे कि मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य है। तो मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य यौन इच्छा की पूर्ति, बाल बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग, ये तीनों है, मतलब उपरोक्त डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। ठीक, तो किसी चीज़ का उद्देश्य भी होगा तो दो तीन चार उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए हर एक दिया जाता है कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। तो किसने, दुर्खीम ने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, तो दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत एक है जो कि उससे विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्खीम आत्महत्या के सिद्धांत के लिए। ठीक, अगला प्रश्न 43 है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया है दोस्तों, देसाई ने दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। सॉरी देसाई नहीं, गलत, देसाई श्रीनिवास। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, सी करेक्ट है, श्रीनिवास ने दिया है संस्कृतिकरण की अवधारणा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों 44 नंबर पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सा एक सत्य है। तो इनमें से कौन सा एक सत्य है दोस्तों, देखिए पहला दिया है कि समूह की ऐच्छिक, मतलब समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है, नहीं समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक नहीं, तो समुदाय की जो सदस्यता होती है वो जन्मजात होती है। समिति में प्राथमिक संबंध पाया जाता है, तो समिति में प्राथमिक संबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, समिति बाद में गठित की जाती है लोगों के द्वारा। समिति की सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती है, व्यक्ति अपनी इच्छा से रख भी सकता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से इसको त्याग भी सकता है, लेकिन समुदाय कि जो है इच्छा जो होती है वो समुदाय में अगर आपको आना है तो समुदाय के लोगों से बहुत मेहनत करवानी, मतलब बहुत जो पापड़ बेलने के बाद में आपको समुदाय में जो है एंट्री मिलती है। ठीक, और समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती कि जब चाहा तब अपना लिया, जब चाहा तब छोड़ दिया, ठीक यह नहीं होता उसमें। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और ये 44 का जो है डी वाला ऑप्शन है। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि समाज एक सावयव है, किसने कहा है। तो समाज का सावयव सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने, और वही है ऑप्शन नंबर का ए कि समाज एक सावयव है, इन्हीं ने कहा था, किसने, स्पेंसर महोदय। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, कथन किसने है, मतलब कथन किसका है, स्टेटमेंट किसने कहा है कि वे सभी समूह जो द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। ठीक, सेकेंडरी ग्रुप आर ऑल दोज दैट आर नॉट प्राइमरी इज स्टेटेड बाई, मतलब किसने कहा है, तो गिडिंग्स महोदय ने कहा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 47 पूछा गया था कि भूमिका की विशेषता निम्न में से नहीं है। तो भूमिका की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है दोस्तों, व्यवहार की समग्रता ऑप्शन दिया है, समूह द्वारा मान्यता प्राप्त, अस्थायी प्रकृति एवं बहुपक्षीय प्रकृति। तो जो अस्थायी प्रकृति है ये भूमिका की विशेषता नहीं है, जबकि व्यवहार की समग्रता, समूह द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बहुपक्षीय प्रकृति, ये तीन के तीनों भूमिका की क्या है, विशेषता है।
अगला प्रश्न है 48 नंबर पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। सॉरी, तो अर्जित परिस्थिति मतलब होता है जो अपनाई गई हो। तो अर्जित परिस्थिति, अध्यापक जो है अपने आप व्यक्ति खुद बनता है, अर्जित करता है, डॉक्टर बनता है व्यक्ति, अधिकारी भी बनता है, जबकि जाति जो होती है जन्मजात, उसकी सदस्यता प्राप्त होती है। तो जाति प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाभिकीय परिवार किस समाज की सामान्य विशेषता है। नाभिकीय परिवार जो है औद्योगिक समाज की जो है विशेषता है, ठीक, मतलब केंद्रीय परिवार इसको बोल सकते हो, ठीक, नाभिकीय परिवार को, न्यूक्लियर फैमिली। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी स्थिति से परिस्थिति का बोध होता है। तो कौन सी स्थिति से परिस्थिति का बोध होता है, न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर की सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। तो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता हमने बताया था कि सभी होता है ऊपर सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो डी करेक्ट है, करेक्ट है जो बताया था हमने, करेक्ट है। सामाजिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, समाज का उदर विभाजन, ये सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। अगला प्रश्न है मिताक्षरा टी नामक टीका किसने लिखा है। तो किसने, विज्ञानेश्वर ने लिखा। ये क्वेश्चन जो है हम जो 18 में 19 में सॉरी 18 में नहीं 19 में ये पूछा गया है, ठीक, जो जो याद आ रहा है मैं बता दिया रहा हूँ साथ साथ में, ठीक। अगला प्रश्न है कि अधिकतर समाजों में कौन सा विवाह सर्वाधिक सामान्य है। तो एकल विवाह जो है अधिकतर समाजों में। अगला प्रश्न है दोस्तों पूछा गया था 54 नंबर की भारत में हिंदू विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं। तो 8 पाए जाते हैं, जिनमें गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, नर विवाह, ये सारे बहुत प्रकार के विवाह सम्मिलित है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित की गई। तो 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि द गोल्डन बाउ किसकी कृति है। तो द गोल्डन बाउ किसकी कृति है दोस्तों, तो फ्रेजर महोदय की कृति है, फ्रेजर महोदय की कृति है, जो प्रकाशन में आई कब, 1890 ईस्वी में, ठीक, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन धर्म को मतलब कौन धर्म को आम जनता का अफीम कहता है, मतलब धर्म जनता के लिए अफीम है ये कौन कहता है। तो कॉल मार्क्स महोदय ने कहा था, मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, कॉल मार्क्स ने कहा इसको। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, पूछा गया था 58 नंबर की द एलिमेंट्री फॉर्मर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है पुस्तक, दुर्खीम ने लिखी है, और कब इसका प्रकाशन हुआ, तो 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, दुर्खीम के द एलिमेंट्री फॉर्मर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक की। अगला प्रश्न दोस्तों 59 नंबर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है। तो सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप कौन सा है दोस्तों, जाति व्यवस्था भी है, शक्ति व्यवस्था भी है, और दास प्रथा भी है सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप, ऑप्शन उपरोक्त डी, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। सामाजिक स्तरीकरण का कौन आधार है दोस्तों, संपत्ति जो है सामाजिक स्तरीकरण का अधिकार है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए कौन सा है, अगला प्रश्न 61 नंबर आपके सामने, 61 नंबर प्रश्न है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ठीक। अगला प्रश्न, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 मतलब 1961 ईस्वी में क्या हुआ है, ये पारित हुआ, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि कौन सा, 63 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो हिंदू विवाह अधिनियम दोस्तों 1955 ईस्वी में पारित हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, और विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर, 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि 1867 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ, ठीक, प्रकाशन में आई। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर कि फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 66 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से समिति का उदाहरण दोस्तों श्रमिक संघ है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री है। तो निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री, अगस्त कॉम्ट नहीं है, इमाइल दुर्कीम भी नहीं, कार्ल मार्क्स भी नहीं, आर के मुखर्जी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न है भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है। तो कौन मानते हैं दोस्तों, रॉबर्ट रेडफील्ड मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है 69 नंबर, 69 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों को प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17 डी, अस्पृश्यता का अंत,
ये मौलिक अधिकारों की संज्ञा में आता है दोस्तों। ठीक, जब आप पढ़ते हो क्या स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, तो उसी के बीच में आ जाता है ये। ठीक, तो अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत है भारतीय समाज में, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि कौन सा वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात करता है, तो कॉल मार्क्स ये कथन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जजमानी व्यवस्था संबंधित है, तो जजमानी व्यवस्था किससे संबंधित है दोस्तों, जाति से संबंधित है जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये क्वेश्चन पर्यावरण में भी पूछा गया और सोशियोलॉजी बी.ए.1st में पूछा गया था। पर्यावरण का, हाँ पर्यावरण का जो है आंसर की डाल रखी है हमने, पर्यावरण की आंसर की डल चुकी है, कल हमने डाला था जो है, उसको देख लीजिए आप सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका सही है, ग्राम पंचायतों से। ठीक, और 1992, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी थी, ये क्वेश्चंस भैया मैं बता दूं ये कहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चंस आपको अगर नहीं पता था कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चंस है सेकंड ईयर का, श्वेत वसन अपराध और ये सारे अपराध जो है ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। ठीक, तो अपराध वगैरह वहाँ से पूछा था, लेकिन पूछ लिया गया तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो सदरलैंड के द्वारा जो है श्वेत वसन के अपराध की अवधारणा दी गई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, कोई बात नहीं अगर गलत हो गया इसकी कुछ चिंता करने की बात नहीं है। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दिया है, तो टी पार्सन्स, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी कृति है, तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी कृति के लेखक, मतलब जो इसकी ये पुस्तक है इसके लेखक है मीड, मीड महोदय, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है दोस्तों। ठीक, और जो है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1934 ईस्वी में हुआ इसका प्रकाशन। ठीक, 1934, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 76 नंबर कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के समूह को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, मतलब केंद्रीय परिवार अगर ऑप्शन में ना दिया जाए तो नाभिकीय परिवार करेक्ट है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय परिवार नहीं दिया है, इससे बच्चे यहाँ पे एक ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, तो बच्चे कोई नहीं पे मार के आए होंगे अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो, लेकिन यहाँ पे नाभिकीय परिवार इज राइट आंसर, नाभिकीय परिवार, केंद्रीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एक ही है। अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिए अपने पेपर में। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों 77 नंबर की विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो विशेष विवाह अधिनियम दोस्तों ये भी हमने बताया था 1954 ईस्वी में ये, और जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, 1955 में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कौन है, वो है परेटो, परेटो हैं दोस्तों, और परेटो का जन्म जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1923 ईस्वी में। ठीक, तो 1923 ईस्वी में मृत्यु एवं 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और जो इनकी परेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, ये इटेलियन भाषा में है, और ये पुस्तक इसकी इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और 16, 4, 20 और 3, 7 सालों के बाद इनका देहांत हो गया था इसके। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि ये देखिए बढ़िया प्रश्न था ये, शायद जो है आप नहीं कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कठिन था ये, तो निर्जापति पद्धति, तो निर्जाति पद्धति शास्त्र का विचार किसने दिया, तो किसने दिया था दोस्तों, गार फिंकेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि अंतर विवाह है, तो अंतर विवाह क्या है दोस्तों, अपने समूह के अंदर विवाह। ठीक, अगला विवाह दोस्तों देखते हैं, मतलब अगला प्रश्न देखते हैं कि जनजातियों को पिछड़ा हिंदू की संज्ञा किसने दी थी, तो जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने दी थी, जीएस घुरिए, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आप देखिए जो है सेकंड पेपर का क्वेश्चन ने फर्स्ट पेपर से पूछ लिया है, तो जो है दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि विवाह जो टॉपिक है ये फर्स्ट पेपर में भी है आपके और सेकंड पेपर में भी है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 82 नंबर कि कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है, तो पुस्तक लिखी आंद्रे बेताई ने, तो आंद्रे बेताई ने लिखी दोस्तों कौन सी पुस्तक, कास्ट क्लास एंड पावर, 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपके सामने आपसे कि जाति का निर्धारण होता है, तो जाति का निर्धारण किससे होता है, शिक्षा द्वारा होता है, व्यवसाय द्वारा होता है, नातेदारी द्वारा, जन्म द्वारा, तो जाति जैसे आप ब्राह्मण के यहाँ हुए तो आप ब्राह्मण हो जाते हो, तो जन्म द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 84 पे कि जाति की छह विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है। तो जाति के छह विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है दोस्तों, तो जीएस गुरिया ने किया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन बोगाडर्स महोदय ने कहते हैं मतलब कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, ऐसा किसने कहा था। बोगाडर्स महोदय ने कहा था कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग एडमिटिंग मैन एंड वोमेन टू फैमिली लाइफ, ठीक, ऐसा किसने कहा था, तो बोगाडर्स महोदय। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लेखक कौन है। तो हिस्ट्री एंड ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं बेस्टर मार्क, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, बेस्टर मार्क इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 87 पे, भारत में विवाह एवं परिवार के लेखक हैं, एक पुस्तक है विवाह एंड परिवार, तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कौन है, के एम कपाड़िया, डॉक्टर के एम कपाड़िया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप किस प्रकार का था। तो परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप जो किस प्रकार का था, सी ऑप्शन संयुक्त परिवार, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको जन्म का परिवार मतलब अभिन्यास का परिवार बोला था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है। तो प्रिमिटिव कल्चर के लेखक हैं दोस्तों कौन है, तो टाइलर महोदय, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, टाइलर महोदय। और 1871 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, कौन सी, प्रिमिटिव कल्चर, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है किसका कथन है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है ये कथन है टाइलर महोदय का ही, ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मतलब किसने दिया था। तो आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था, टाइलर महोदय के द्वारा ही दिया जाता है 1871 ईस्वी में, जब कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, प्रिमिटिव कल्चर। तो इसी के अंतर्गत बताया जाता है कि धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद का सिद्धांत जो है इसी सन में दिया जाता है। अगला है कि इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है। तो किसने दी है दोस्तों, तो ये जो है मीड ने दी है, दुर्खीम ने, कि कूले ही फ्रायड, किसने दी है, फ्रायड महोदय ने दी है। और ये इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा आप सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ध्यान में रख लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा सेकंड ईयर में आपको ये। 94 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी है, मतलब के कारक हैं। तो विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी हैं, परिवर्तित सामाजिक मूल्य भी हैं, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि भी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी मारिए आप, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सी स्थिति है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कौन सी है दोस्तों, तो उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ठीक। वह कौन सी स्थिति है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है, तो उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब हु वाज द रिटन द बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1902 में, मतलब 1902 ईस्वी में हुआ था, 1902 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, किसके अनुसार, कूले महोदय के द्वारा ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 97 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र के उद्भव का संभावित कारण नहीं है। तो रक्तहीन क्रांति का कोई संबंध नहीं है इसके उद्भव से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, सी करेक्ट है दोस्तों। 1688 1789 का कुछ प्रभाव पड़ा था इस पे, और औद्योगिक क्रांति का पूर्ण रूप से और ज्ञानोदय का भी प्रभाव पड़ा है समाजशास्त्र के उदय में, ठीक, तो रक्तहीन क्रांति नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा ऐसा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा, अरस्तु महोदय ने कहा, अरस्टोइल महोदय ने कहा कि क्या, कि हु हैज सेड, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन अगर आप, मैन इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 99 नंबर की, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं ये किसने कहा, 2018 में ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो पी एच लैंडिस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ठीक।
अगला प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न आपका है 100वां नंबर कि परंपराएं एवं रूढ़ियां दिनों दिन हमारी भारतीय संस्कृति से लुप्त होती जा रही हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसके प्रमुख कारण है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ठीक, तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, दिनों दिन भारतीय समाज से क्या हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो जो है औद्योगिकरण है और नगरीकरण है। गांव से नगर परिवर्तित हो रहे हैं, घनी आबादी हो रही, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रही हैं। ठीक, लोगों का उद्योग ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे नगरीकरण हो रहा है और जिसके फलस्वरूप रूढ़िया और जितने भी सारी चीज़ें हैं ये परिवर्तित हो रही हैं। दोस्तों हमने कहा था आपसे कि जो है हम यहाँ तक आपको बता देंगे कि 35 मिनट के अंतर्गत आपका सारा का सारा 100 प्रश्न करवा देंगे, हमने 35 मिनट में करवा दिया है। दोस्तों फिर मिलेंगे इसके जो है सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके पास, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ़।